जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीस, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं करूंगा अनबॉक्सिंग Realme X2 का। दोस्तों यहां पर कुछ अनबॉक्सिंग हटके होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। में ये जो फोन है काफी बढ़िया फोन है, मुझे आज सुबह ही रिसीव हो गया। दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स आ जाता है Realme X2 और 64 मेगापिक्सल परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 730G, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग है और वोक चार्जर 4.0, ये काफ़ी गजब है। और यहाँ पे चार कैमरा दे देता है, आने वाले टाइम में मैं वीडियो में बता दूंगा। अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। यहाँ पे एक वेलकम जर्नी लिख देता है जो कि Realme ने काफ़ी ठीक ठाक सा। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको कुछ मिल जाएगा, यानी कि एक इसका बैक केस एक मिलेगा जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो केस है ठीक ठाक सा है और साथ में कुछ प्रमाण पत्र और जानकारी, अगर आप लोग पढ़ना हो पढ़ ले। तो मैंने यहाँ पे इसको स्लाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को यहाँ से उठा लिया और फ़ोन को उठाने के बाद ऑलरेडी क्या है, हम जो सिर्फ कोई यूट्यूबर जब अनबॉक्सिंग करता है उससे पहले ऑलरेडी फ़ोन को ओपन कर देता है। मैंने आपको झूठ बोलने का मतलब नहीं है। फ़ोन को अनलॉक करके यानी कि स्विच ऑन करके मैंने कुछ सेटिंग वगैरह इसके अंदर चेंज किया था। हाथ को तो प्रीमियर फील आ रहा है, मैंने व्हाइट कलर मंगाया था। और ये जो दोस्तों इसके बॉर्डर में आपको बड़े गजब सा दिखने को मिलता है, स्टील का ऐसे लग रहा है, या पता है इसके ऊपर कोई निकल चढ़ा हुआ है, बाद में पता चलेगा। अगर गुप्ता जी के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। तो यहाँ जो है चार कैमरा दे दिया आपको, 64, 8 और साथ में आपको यहाँ पर एक फ्लैश लाइट तो ऑप्शन दे देता है। और ऊपर जो है आई थिंक कुछ माइक का है। और राइट साइड में आपको एक सिम इजेक्टर टूल है, इसके अंदर आप ट्रे है तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड आपको 256 GB तक लगा सकते हो। मेरे पास एक 50 यानी कि 64 है तो मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। 128 के बाद दो सिम आप आराम से यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये काफ़ी ठीक ठाक सा दिया है और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ बटन तो ऑप्शन है। नीचे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे एक तरफ साउंड बार है और एक जो अपना ऑडियो माइक है और जो बोलने वाला, और ये सी टाइप USB पोर्ट है और यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। अब फ़ोन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, कुछ और निकलता है। इसके अंदर आपको वोक चार्जर मिल जाता है 4.0 का और फास्ट चार्जिंग है, आने वाले टाइम में चार्जिंग का भी टेस्ट कराएंगे तो आप देख पा रहे होंगे। सी टाइप का जो पोर्ट है आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब ये ख़त्म हो गया, अब चलते हैं फ़ोन के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। फ़ोन जो है आपके सामने ये है, मैंने लगा दिया। इसके अंदर बैटरी जो है 4000 mAh की बैटरी है और आपको डिस्प्ले की साइज़ जो है आप 6.4 इंच का है। फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है और देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और वेट जो है फ़ोन का 182 ग्राम है, ये ठीक ठाक सा है। फ्रंट कैमरे के लिए आपको 32 MP कैमरा देखने को मिल जाता है, बैक में आपको 64:8:2:2 कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में इसका रेजोल्यूशन जो है 2340x1080p है। और बात करते हैं इसका जो स्पेसिफिकेशन है, 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256 GB तक। ये था कुछ गिनी चुनी फीचर्स है इसका, आप चेक कर सकते हो। और फ़ोन जो है बनाया है Realme ने, ये थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक सा लगा, मुझे मैंने कुछ वीडियो और फोटो वगैरह लिया था उसको भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जितना था वो थोड़ा मैं आपको बताया, बाकी इसके ऊपर ज्यादातर मैं फोकस करूंगा इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, नए नए फीचर्स कैसे इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि Realme X2 लेना है
मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि मैं फोन लिया हूँ तो आप लोग लेना जरूरी है, बट आप रिव्यू देख सकते हो, काफी बढ़िया फोन है मिड रेंज में। ये जो आपको 19,000 समथिंग में मिल जाएगा, 8GB 128GB स्टार्टिंग हो जाता है प्राइस इसका 16,000 समथिंग का, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो मिलते हैं नए वीडियो साथ, तकलीफ बाय, टेक केयर, बंदे मातरम।